अपना नाम बताएं पहले। मैं संजीव मिश्रा, अध्यक्ष कोलार व्यापारी महासंघ। आज यहाँ शासन प्रशासन की ओर से एक नाजायज परेशानी खड़ी की गई थी व्यापारियों के लिए। आप देख रहे हैं दानिश कुंज के व्यापारी इतने स्वच्छता अभियान के लिए चिंतित तो और सक्रिय हैं कि अपनी दुकान से निकलने वाले कचरे को यहाँ पर कचरा प्रबंधन के लिए कोई भी डस्टबिन या इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो वो अपने लोकल सोर्सेज से बोरी में भर के रखते हैं कि यहाँ की जब कचरा वैन निकले तो वो यहाँ से उठा ले जाए। नहीं, आज ये जो विवाद की स्थिति बनी बार बार वो कचरे को लेके बार बार रहवासियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा शिकायत की जा रही थी, तो आज ये यहाँ पर नगर निगम की टीम आई और उसी व्यापारी को उल्टा धमकाने लगी कि ये कचरा आपने इकट्ठा करके रखा है तो आपका इस पर चालान बनेगा। मेरा प्रश्न ये है कि अगर वही व्यापारी वो कचरा जब रोड पर फैला दे और आप उठाओगे तो ठीक लगेगा। स्वच्छता अभियान का मतलब ये नहीं होता कि कचरा का प्रबंधन को कैसे निपटाया जाए। स्वच्छता अभियान का मतलब ये होता है कि लोगों की मानसिकता में स्वच्छ वातावरण को बनाने के लिए सहयोग की भावना है, जैसा कि यहाँ के व्यापारियों ने किया हुआ है। अपने कचरे को बोरी में इकट्ठा करके रखते हैं कि भैया उठा ले जाए, लेकिन उस नाम पर प्रशासन यहाँ पे इसको लेकर कोई आगे और कोई चक्का जाम जैसी स्थिति अभी तो बोल रहे थे से मामला कमिश्नर को आप आवेदन लोगों ने मान लिया, अन्यथा आगे अगर इस प्रकार की कोई भी ये शासन प्रशासन यहाँ पे गलती करता है और नाजायज दबाव बनाता है तो कोलार व्यापारी महासंघ इसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पे डेढ़ महीने, आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे पानी, ये यहाँ पर पिछले डेढ़ महीने ऐसी स्थिति रही है कि आप नाव चला लें, जब प्रशासन वो पानी को निकालने के लिए नहीं आया तो चालान बनाने भी नहीं आना चाहिए।